नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनप्रीत। महंगाई के दौर में और साइबर सिटी जैसी लोकेशन पे मात्र 5 रुपए में अच्छा खाना, घर जैसा खाना प्रोवाइड करवा रही है ये संस्था। लॉकडाउन के दौरान लोगों को दाल मखनी, नान, बटर नान और चौमिन, मैंगो शेक जैसी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा रही है ये संस्था। आइए इन्हीं के प्रेसिडेंट और फाउंडर पंकज गुप्ता जी से जानते हैं क्या कारण है इसके पीछे, कैसे वो आगे आए, कैसे वॉलंटियर लोग उनके साथ जुड़े, क्या कारण है उनका कि ऐसे लॉकडाउन ने उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया, ऐसा प्रयास करा कि लोगों को भूखा ना सुलाया जाए। तो आइए बात करते हैं देवदूत फूड बैंक के फाउंडर और प्रेसिडेंट पंकज गुप्ता जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वायरल सच के कार्यक्रम में। देवदूत फूड बैंक, कैसे ये नाम आपके दिमाग में आया और कब आपने इस संस्था की शुरुआत की? ये संस्था जो है, ये संस्था का जो शुरुआत हुई थी वो 14 अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था जी। और जैसा कि नाम की बात है तो देने वाले सारे देवता ही हैं, भगवान ही हैं, तो हमने भगवान जो देने वाला है उसी के नाम से रखा है इसका नाम। मात्र 5 रुपए में खाना, वो भी साइबर सिटी जैसी लोकेशन पे, कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, जो 5 रुपए में जो रखा है हमने, वो इसलिए रखा है कि ताकि कोई भी आदमी, हमारा मकसद पैसा लेना तो है ही नहीं, हमारा मकसद है कि जो भी हमारे क्षेत्र में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर जगह पे दो तरह के लोग होते हैं, जो एक जिनके पास कुछ होता है और एक जिनके पास कुछ कम होता है लेकिन कम होता है, जो तो इस तरह के लोगों के लिए जिनके पास कुछ कम है और उनको भी पौष्टिक खाने का अधिकार है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये देवदूत फूड बैंक की स्थापना की थी। और 5 रुपये रेट इसलिए रखा था ताकि किसी को भी उसको स्वाभिमान से खाना खाए और किसी को भी बुरा ना लगे खाना लेते हुए। क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? कुछ ऐसी घटना हुई हो जो आपने देखी हो, या आपके बड़ों से कुछ ऐसी आपको प्रेरणा मिली हो, कुछ ऐसी चीज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हुआ क्या था, एक्चुअली जब ये शुरू हुआ था उससे एक दिन पहले मैं और हमारे मित्र हैं मिस्टर बाल बुद्धि राजा जी, तो हम एक दिन जहाँ हमने ये लगाते हैं भंडारा, उसके नज़दीक में वहाँ मेरा अपना व्यापार भी है, मेरी दुकान भी है, तो हम वहाँ घूम रहे थे। वहाँ पे हमारी दुकान के थोड़ा सा नज़दीक में एक डंपिंग स्टेशन था, वहाँ पे पूरे सदर बाजार का कूड़ा कचरा इकट्ठा होता था। और वहाँ क्या करते थे, कुछ कूड़ा चुगने वाले छोटे बच्चे, वो सदर बाजार से जो सब्जी मंडी है वहाँ से गंदे फल फ्रूट जो दुकानदार निकाल देता था अपने अच्छे सामान में से, उसको लेके आते थे और उस पर कीड़े पड़े होते थे। तो एक दिन हम लोगों ने देखा, हम जब वहाँ टहल रहे थे, तो कि वो छोटे बच्चे वहाँ से वो फल फ्रूट लेके आए और उसमें वो कीड़े सफाई करके वो खा रहे थे। तो ये हम सब जानते हैं कि संभव ही नहीं है कि उसमें से जो कीड़े वाला फल है उसमें से सफाई हो सके, पर संभव ही नहीं है। तो हमें बहुत हर्ट हुआ इस बात को और हमने डिसाइड किया कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं। तो मैं और हमारे अंकल जो हैं, हम अपनी वापस अपने ऑफिस आए, हमने कहा कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करें। तो फिर बात ये हुई उसी समय, क्योंकि एक कहावत है कि हम अच्छे जिस भी काम की शुरुआत तुरंत करें तो ठीक है, बाद में अगर एक दिन भी आप उसे ढील कर देंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिर एक दिन बाद आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपका दिमाग बदल जाएगा, जो चीज़ें आप बुरी लग रही है थोड़ी देर बाद बदल जाएंगी। तो हमने उसी टाइम बात किया, तो फिर बोलते हैं कि इन बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि इन बच्चों को निःशुल्क खाना देवें। फिर बात हुई कि हम अगर 50 बच्चों का खाना बनाते हैं, 25-50 का, तो कुछ बड़े लोग भी आएंगे जो कुछ वहाँ पे वहाँ गरीब लोग हैं, तो हमने बोला उनको भी हम मना तो करेंगे नहीं, तो उनके लिए फिर हम एक ऐसी कीमत तय कर देते हैं कि जिसको वो बहुत आराम से दे भी सके और उनकी पॉकेट को भी नुकसान ना हो और उनको पौष्टिक खाना मिल जाए। तो फिर हमने 14 अप्रैल 2018 में, जिस दिन ये हुआ था, 13 अप्रैल को हमने ये इंसिडेंट देखा था, और उसी समय हमने अपने जो एक पड़ोस में कैटर थे उनसे बात की, उनसे सारी व्यवस्था समझी और जो है बस समझ के, और अगले दिन हम लोगों ने का डिसाइड कर लिया कि अगले दिन ही करना है, क्योंकि हमसे तो बेचैन हो गए थे हम ये सब देख के, हमें तो एक दिन भी बर्दाश्त करना मुश्किल होता कि हम एक दिन भी उन बच्चों को ये गंदा खाना खाने दें। तो तुरंत डिसाइड किया उसी समय सारी व्यवस्थाएं की, 2-3-4 घंटे में तो हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी थी, सारा सामान खरीदना, बर्तन खरीदने, जो भी हमें जो लोगों ने बताया हम सामान खरीदा, जगह डिसाइड की, मतलब हमने उस जब से हमने उन बच्चों को देखा उसके बाद हम बिल्कुल चुप नहीं बैठे, हम तुरंत उसी सिर्फ काम में लगे और 4 घंटे में सारी व्यवस्था तैयार हो गई। अगले दिन हमने 14 अप्रैल को पहले सबसे पहले कंजकों को जिमाया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले कंजक जिमाई जाती है, तो हमने 14 अप्रैल को पहले कंजक जिमाई और फिर 14 अप्रैल को हमने शुरू कर दिया। किसी भी संस्था के लिए वॉलंटियर लोगों को जोड़ना आसान बात नहीं होती, तो देवदूत के लिए कितना टफ था ये?
देखिए शुरुआत में तो बहुत दिक्कत हुई थी। शुरुआत में दिक्कत ये हुई थी कि हमने जब अपने जानकारों से अपने लोगों से शेयर किया कि हम इसको रोज़ाना चलाएंगे, हम इसको रोज करेंगे, तो कुछ लोगों ने थे होता है कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली हमारा मजाक भी उड़ाया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है रोज़ाना का कोई काम करना, क्योंकि मैंने बताया कि मैं एक छोटा सा व्यापार करता हूँ, तो एक व्यापारी के लिए चाहे छोटा है या बड़ा, तो उसके लिए रोज़ाना 2 से 3 घंटे किसी सेवा को करना संभव ही नहीं होता। तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया और मतलब हमारे मुँह पर नहीं बोला, लेकिन पीठ पीछे जैसे होता है कि देखते हैं कितने दिन चलेगा। तो जब हमें पता लगा तो हमने उनसे बात की, हमने बोला भाई साहब देखो ये भगवान की प्रेरणा से हुआ है, भगवान जी ने हमें शुरू कराया है, और जब शुरू कराने वाले वो हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है जी। बंद हो जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चलेगा तो भी हमें कोई फल नहीं है, और अगर बंद होएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी, भगवान जी शुरू कराए अच्छा भी उनका बुरा भी उनका, अच्छाई भी उनके ऊपर बुराई भी उनके ऊपर, वो चाहेंगे चलेगा वो चाहेंगे तो बंद हो जाएगा। और भगवान महान है, भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत सब कुछ है, तो उन्होंने वो देखो अभी तक चल रहा है बहुत अच्छे से। लॉकडाउन में देवदूत काफ़ी फेमस है अपने बटर नान को लेके और अपने मैंगो शेक्स को लेके, चाउमिन को लेके, क्या कारण है आपने लॉकडाउन के दिनों में ऐसे सोचा कि लोगों के इस प्रकार का खाना खिलाया जाए? देखिए मैं बताता हूँ कि जैसे हम अभी बात बता रहे थे कि ये जो है पिछले लगभग 2.5 साल से चल रहा है, तो 2.5 साल में जब हम डेली कोई प्रैक्टिकल काम करते हैं तो हमें लोगों से इंटरेक्शन होती है, लोगों की पता लगता है कि लोगों को क्या पसंद है। एक हम सब जानते हैं कि एक ही तरह का खाना या 2-3 मेन्यू हम, क्योंकि अब देखो कितना बढ़ता जा रहा है समय इसका, एक ही मेन्यू हम 2 बार नहीं खा सकते। सुबह हम जो खाना खाएंगे हम शाम को खा ही नहीं सकते, चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा खाना है हम शाम को खाना खा ही नहीं सकते, सेम मेन्यू खा ही नहीं सकते। तो जैसे ही जब तक ये चल रहा था 22 मार्च तक जब तक 5वें वाला, उसके बाद जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये लॉकडाउन अनाउंस किया, तो हमारी संस्था के सभी जो पदाधिकारी हैं उन सब लोग की एक मीटिंग हुई, हमने कहा कि हम भी इस काम को करेंगे, हम इसको बंद नहीं करेंगे सेवा को, और हम करेंगे। और उसी समय हमने डिसाइड किया कि जैसा हमारा इससे पहले भी 2.5 साल से जो मेन्यू वो ऐसा ही चलता था जी जी। हम रोज़ाना बेशक हम पैसे 5 रुपये लेते थे लेकिन खाना पूरा पौष्टिक और लोगों को उनके टेस्टी खाना देते थे, तो उसी को हमने आगे कंटिन्यू कर दिया। तो इसके लिए आपको फंडिंग कहाँ से आती है और कहाँ पे आपका किचन है, क्या इसमें सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है लॉकडाउन के दौरान? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा पहला सवाल है आपका कि फंडिंग कहाँ से आती है, तो इसमें सभी जो भी समाज सेवी लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे जानने वाले, हमारे मित्र, हमारे वॉलेंटियर क्योंकि भी मित्र, तो हम सब जो है थोड़े थोड़े इसके टुकड़े कर देते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 4 चीज़ बन रही है, तो हमने अपने मान लो मैंने अपने किसी जानकार को बोला कि एक चीज़ का खर्चा आप दे दो, मेरे किसी दूसरे वॉलंटियर ने बोला तो अपने जानकार को बोला, तो ऐसे हम सबका सर्कल बड़ा है और ऐसे ही करते थे हम लोग शुरू से अभी तक। और अब तो हमारे पास बहुत सारे लोग आके कहने लगे हैं कि जैसे हम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हमेशा अपने भोजन है उसमें फ्रूट्स ज़रूर रखते हैं सबके लिए, तो कोई ना कोई आगे किसी ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, बोला आप फ्रूट दे दो, किसी ने बोला, दूसरे ने बोला हम क्या कर सकते हैं, हमने बोला आप बच्चों के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट दे दो, जैसे आपका स्नैक्स वगैरह जैसे चाउमीन है, पास्ता है जी। तो ऐसे ही भगवान जी भेजते हैं और अपना बहुत अच्छे से चल जाता है। सैनिटाइजेशन में हम लोग अपने यहाँ शुरू से, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि इस मैं जिस प्रोफेशन में दुकानदारी में उसको आने से पहले मैं मैस कॉन्ट्रैक्टर था, मेरा जो पिछला वो है व्यापार वो मैस कॉन्ट्रैक्टर था, और मैं हीरो ग्रुप की कैंटीन चलाता था, तो मैं हाइजीन के मामले में बहुत अवेयर रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक एशिया के नंबर 1 ग्रुप के साथ उनके मैस चलाया है, उसका मैस कॉन्ट्रैक्टर था, तो हाइजीन सैनिटाइजेशन या जितना साफ सफाई है उसके मामले में बहुत शुरू से ही मैं हैप्चुअल हूँ, और वही सब चीज़ें पूरा प्रॉपर जो भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उसको 100% अपने आप इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो हमारी किचन है मैं बता देता हूँ आपको, हमारी किचन जवाहर नगर डॉक्टर गुप्ता हॉस्पिटल है उनके पीछे है, और बहुत साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल हम अगर बात करें क्वालिटी कंट्रोल के मापदंडों के हिसाब से हमारी किचन है जी। तो किसी भी वॉलंटियर को अगर आपसे कांटेक्ट करना हो या फिर डोनेट करना हो देवदूत में, या फिर कोई ऐसे एरिया के लोग हों जो देवदूत का भंडारा वहाँ लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए मैं बता देता हूँ, वैसे तो हमारा फेसबुक पेज है देवदूत, www फेसबुक पेज है देवदूत फूड बैंक करके,
और आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे हमारा पूरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर हैं उसके नंबर भी उसमें भी डाले हुए हैं हमने, अपना जो फेसबुक पेज है उसका जो बैनर है उसके ऊपर, और हम मेरा नंबर भी उसके अंदर है। और मैं फिर भी आपके माध्यम से अपनी सभी दर्शकों को अपना नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9212444263। तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमारे सारे जो मेंबर्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी हमारे लायक जो भी आपको लगता है हमारा भंडारा कहीं लगवाना है आप हमें बुला सकते हैं, हमें याद कर सकते हैं। जैसा मैं बता देता हूँ आपको, अभी कई कुछ संस्थाएं जैसे हमारा जो खाना बन रहा है उसको देखते हुए कई संस्थाओं ने अपना खाना हमारे यहाँ से बनवाना शुरू कर दिया है उन्होंने बोला। और मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि हम बाकी लोग अगर बाकी लोग जो 100 आदमी के खाना बनाने में जितनी की कॉस्टिंग आती है हमारी उतने ही कॉस्ट में 300 लोगों का खाना बन जाता है जी। हम कॉस्ट कटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वेस्टेज में 100% ध्यान रखते हैं, एक दाना भी वेस्ट ना हो। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, मतलब मैं अगर बड़ी बात ना कहूँ गुड़गांव में हम लोग अब अकेले हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इतना स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं जी। हम जो अपनी भारत सरकार की जो सोशल डिस्टेंस की गाइडलाइन है उसको 100% फॉलो कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर के साथ बहुत एक सबसे बड़ी खास बात है कि वो इतने किसी भी जो हमारे पास खाना लेने आते हैं इतना पोलाइटली उनसे बात करते हैं। हम किसी भी इंसान को भगवान से कम नहीं समझते हैं, वो जो हमारे पास खाना खाने आ रहे हैं वो हमारे लिए भगवान हैं। भगवान ना करें हमें, हम सेवा तो करें सारी ज़िंदगी करें लेकिन इस ऐसे माहौल में सेवा करनी पड़े, कभी ना दे भगवान हमको, कभी हमको ऐसा मौका ना दे कि ये बीमारी कभी ना आए इस तरह की बीमारी कि जब एक इंसान मतलब ऐसे पिंजरे में बंद है। हमें रोना आता है उन लोगों को देख के कि कैसे वो लोग बेचारे पिंजरों में बंद खाने के लिए तरस रहे हैं। जो लोग पहले पैसों के लिए लड़ते थे, जमीन जायदाद के लिए लड़ते थे, अब सिर्फ भोजन के लिए लड़ रहे हैं। कभी ना मिले हमको ऐसी सेवा, हम सेवा करें एक हेल्थी माहौल में करें, अच्छे एनवायरनमेंट में करें। हमें ये सेवा कभी ना मिले कि जो हमें रो रो के सेवा करनी पड़ती है। अभी देवदूत फूड बैंक की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? हमारी सिर्फ यही प्लानिंग है कि हम अपने शहर में, अभी तो सिर्फ अपने शहर का हमारा टारगेट है, अपने शहर में जगह जगह जहाँ भी ये लॉकडाउन चल रहा है इसके लिए तब तक चलेगा जब तक जी है, इसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होएगा तो वही 5 रुपये में, जो हम 5 रुपये का हमारा सिस्टम है उसी 5 रुपये में हम गुड़गांव में काफ़ी सारे सेंटर बनाने वाले हैं। और अब हमारे पास बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं, हमें लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमने उन्हें थोड़ा समय लिया है उनसे हमने कि जैसे ही ये स्थिति कंट्रोल में आएगी, भगवान करे बहुत जल्दी आए, जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आएगी हम तुरंत जो है 5 रुपये वाला जो हमारा जो स्टॉल है गुड़गांव के कई जगहों में हम लगाएंगे ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं पौष्टिक खाना मिले, उनको इज्जत से मिले, बहुत मान सम्मान से मिले और उनको उनकी पॉकेट के अंदर मिले। शो के अंत में क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे इस संकट की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में गुरुग्राम वासियों को या जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं सभी से सिर्फ यही एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि देखिए ये मेरी उम्र 45 साल है, मैंने ऐसा बुरा हाल कभी नहीं देखा कि लोग इतना तरस रहे हैं। और जिनकी उम्र मेरे बहुत सारे जानकार हैं, जिनकी किसी की 70 है, किसी की 75 साल उम्र है, 80 साल है, उनसे भी मेरी अक्सर बात होती है क्योंकि मेरे जो ग्रुप है कि मेरे ग्रुप में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जिस जगह बड़े पेड़ की छाया होती है वहाँ कभी दिक्कत नहीं होती है, तो मेरे साथ बहुत बुजुर्ग हैं, मैंने उनसे बात की, उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब, भाई लोगों, सब इस समय जिससे जितनी हेल्प हो सकती है सबकी करो, क्योंकि कब्र में कभी जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, तो जितना हो सके करो। अपने पड़ोस में देखोगी सबसे पहले, देखो आपके पड़ोस में कोई तो भूखा नहीं है, अपने पड़ोस से शुरुआत करो। अगर हर आदमी अपने पड़ोस से शुरुआत करेगा तो जीवन में कभी भी इस कोरोना के समय में भी कोरोना के बाद भी हमेशा अपनी आंखें, अपनी जेब, अपना दिल खुला रखो, कुछ साथ में नहीं जाने वाला है, हमेशा अच्छे कर्म करो। किसी भी, मैं जहाँ तक मानता हूँ, किसी भी बच्चे ने जब उसके पिताजी की मृत्यु होती है तो कभी ये नहीं कहा कि मेरा पिताजी, मेरा बाप मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गया है। हमेशा एक ही प्रैक्टिकल बात होती है कि ये 10 प्लॉट हैं, ये 11वां इतना अच्छा प्लॉट था, ये क्यों नहीं खरीदा। तो जब ऐसा होना ही नहीं है तो अपने जीवन को एक लोगों के लिए एक ऐसा बनाएं कि आपके मरने के बाद अनजान आदमी भी कहे कि कोई इंसान मरा है। तो मैं सबसे कहता हूँ कि इस मुसीबत के समय में भी अगर आप समाज के आप काम ना आए, एक देश के काम ना आए, तो जीवन में ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दिल से अच्छे से, एक आदमी 100 आदमी का पेट नहीं भर सकता लेकिन किसी एक का भर सकता है। तो कृपया सभी अपने नज़दीक में किसी एक का पेट भरे, जरूर भरे, हमारा देश बहुत जल्दी इस मुसीबत से निकलेगा, पूरा संसार बहुत मुसीबत से निकलेगा। सबका मंगल, सबका भला हो।
तो ये थे हमारे बीच पंकज गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कोई भी कोई एक सिंगल पैसा भी मरते वक्त अपने साथ नहीं लेके जाता, जो कुछ है यही संसार है, यही पे है। अगर आप भी इतनी सी कोशिश करें कि अपने नियर बाय में किसी एक फैमिली का ध्यान रख लें, तो इस देश में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। और अगर आप भी देवदूत को डोनेट करना चाहते हैं, अपना एरिया में बुलाना चाहते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कृपया करके इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। जो पंकज जी द्वारा नंबर बोला गया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वायरल सच पे। नमस्कार।